नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अलवर जिले के नौगावा में मंगलवार को युवक के साथ हुई मारपीट मामले में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस के साथ आरोपी के परिजनों तथा ग्राम वालों ने पुलिस के साथ की बदसलूकी और हाथापाई कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पुलिस के साथ हुई बदसलूकी का वीडियो वायरल हो गया और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े होने लगे। लोग सोशल मीडिया पर वीडियो को वायरल करते हुए पूछ रहे हैं कि पुलिस इतनी लाचार और बेबस क्यों हो गई है कि आरोपियों को पकड़ने दी पुलिस नहीं जा सकती है, और अगर आरोपियों को पुलिस जाएगी तो यह उनका या हश्न होगा। बता दें कि अलवर के नौगावा में बरामदा के लोगों ने अमन नामक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल अलवर रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपियों के परिजनों ने हाथापाई कर दी और पुलिस ने आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया। अलवर जिले में लगातार आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा और बदमाश बेखौफ और निरंकुश नजर आ रहे हैं। बहरहाल पुलिस के साथ हुई घटना के मामले में पुलिस ने राजकार्य की धारा में मामला दर्ज कर लिया है। अमन नाम का लड़का बाइक से आ रहा था तो एक बच्ची थी 2.5-3 साल की, इनायत, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके परिजन थे 4-5 लोग, उनने उसकी अमन की पिटाई की तो उसको वहाँ से रेफर करवा दिया था और वो बिल्कुल ठीक है अभी, अमन और वो बच्ची भी ठीक है अभी। उसके बाद हमने उसमें 3 जो मुलजिम थे निरुद्ध कर लिए, और उसके बाद एक मुलजिम साबिर वो भाग गया था, उसको पकड़ने के वहाँ पुलिस गई तो उसके साथ वहाँ छीना झपटी की लोगों ने। उसके बाद हमने उसका अलग से मुकदमा दर्ज किया है राजकार्य बाधा का, और उसमें 4 लोग गिरफ्तार कर लिए और एक जो बालक था उसको निरुद्ध किया। टोटल 5 गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक। हाँ, 4 गिरफ्तार और एक बालक नाबालिग था उसको निरुद्ध किया। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।